एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा प्रत्याशी ने लिया गौ माता का आशीर्वाद, 3 करोड़ की लागत से बना पुल 3 साल में टूटा। घर के बाहर खड़े एक शख्स पर 5 लोगों ने कर दिया हमला। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में मतगणना के पहले इंदौर से भाजपा प्रत्याशी आकाश विजयवर्गीय ने साई मंदिर में दर्शन कर गौ माता को चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष और होशंगाबाद से भाजपा प्रत्याशी सीता सरन शर्मा दुर्गा मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। झारखंड के गोड्डा में एक पुल टूट गया। ये पुल 3 साल पहले 3 करोड़ की लागत से बना था, जो कि आरजेडी विधायक के भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। ये पुल आसपास के लगभग 15 गांव को जोड़ता था, लेकिन पुल टूटने के बाद से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के ललितपुर से एक मामला सामने आया। यहाँ दबंगों ने 2 भाइयों को घेर कर बुरी तरह दंडों से पीट लिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के कारण दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीटा गया। फिलहाल पुलिस में पीड़ित पक्ष ने मामला दर्ज किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब